Hey guys, welcome back to the channel Study Time. And so today in this video we are going to continue economics chapter number 5, that is forms of market. Okay, so we have done with the perfect competition market. Now we will move further with imperfect competition. Okay, तो आज हम देखने वाले हैं imperfect competition market क्या होता है, और इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम लोग ने कवर कर लिया है. तो इम्परफेक्ट कंपटीशन ये क्या होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ टाइप ऑफ मार्केट शोइंग सम बट नॉट ऑल फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट. ओके, तो इम्परफेक्ट मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे कुछ फीचर्स जो होते हैं वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन जैसे होते हैं कुछ. ओके, सब नहीं. ओके, नॉट ऑल फीचर्स, मतलब कॉम्पिटिटिव मार्केट के जो फीचर्स होते हैं उससे थोड़े बहुत फीचर्स होते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन में. ओके, बट पूरा वैसा का वैसा सेम नहीं होता. फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट. ओके, सो इम्परफेक्ट मार्केट के कुछ टाइप्स होते हैं. तो ये है इम्परफेक्ट मार्केट. टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, तो 3 टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट होते हैं: मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट और मोनोपोली मार्केट. ओके, तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है अभी ये हम डिटेल में पढ़ने वालेंगे. ये कौन से मार्केट्स होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है मोनोपोली. ओके, तो मोनोपोली मार्केट में एक्चुअल में उसका एक मेन फीचर और हाउ टू आइडेंटिफाई मोनोपोली मार्केट. तो इस मार्केट में क्या होता है, जो सेलर होता है, मतलब जो सेलर होता है वो सिर्फ एक पर्सन होता है. इफ़ एक ही बंदा जो भी चीज़ है वो बेचता है, तो मार्केट में मोनोपोली मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है. और अगर हम बायर की बात करें तो जो खरीदने वाले होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं बट जो बेचने वाला होता है वो एक ही होता है. ये जो है ये इम्पॉर्टेंट फीचर है ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट. तो अगर आपको मोनोपोली मार्केट आइडेंटिफाई करना है तो ये एक मेन इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट फीचर्स है फ्रॉम दी अदर मार्केट. ओके, कि मोनोपोली मार्केट में एक सेलर रहता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. मीनिंग एंड डेफिनेशन. तो मोनोपोली मार्केट का मीनिंग और डेफिनेशन. द टर्म मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन्स सिंगल एंड पॉली विच मीन्स सेलर. ओके, तो अगर हम मोनोपोली का डेफिनेशन या फिर मीनिंग देखें तो ये जो वर्ड है मोनोपोली, ओके, तो ये मोनोपोली वर्ड है ये एक ग्रीक टर्म से आया है. ओके, ग्रीक वर्ड से आया है. जो ग्रीक वर्ड है मोनोपोली उसका मतलब होता है, वो मोनोपोली वर्ड जो है वो 2 टर्म्स में ब्रेक किया है, दैट इज़ मोनो और पॉली. ओके, ये 2 शब्द है. तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, ओके, अकेला. ओके, और पॉली का मतलब होता है सेलर, बेचने वाला. तो एक्चुअल जो वर्ड है मोनोपोली उसका ही मतलब क्या होता है, एक बेचने वाला. ओके, सिंगल सेलर. ओके, मोनोपोली इज़ अ मार्केट वेयर. मोनोपोली इज़ अ मार्केट इन विच देयर इज़ ओनली वन सेलर हु कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. ओके, तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है, एक ही बेचने वाला रहता है और वो ही पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है. ओके, और जो भी प्रोडक्ट वो बेचता है मार्केट में उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता. मतलब अगर आप उससे नहीं खरीदोगे तो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा. ओके, मतलब उसी प्रोडक्ट जैसा या फिर उस प्रोडक्ट के अलावा अगर आप कुछ खरीद सकोगे उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट. तो ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट आपको नहीं मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो वो मोनोपोली सेलर वहाँ उस मार्केट में बेच रहा है. अकॉर्डिंगली टू E.H. कैम्बलिन, मोनोपोली रेफर्स टू अ सिंगल फर्म विच हैज़ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. ओके, तो अकॉर्डिंगली टू E.H. कैम्बलिन ये जो उसके हिसाब से उसने डेफिनेशन दिया है कि मोनोपोली मार्केट क्या होता है, तो मोनोपोली मार्केट मतलब एक सिंगल फर्म जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, पूरे मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल करता है और वो ऐसा प्रोडक्ट बेचता है कि उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है. ओके, नाउ फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट. तो मोनोपोली मार्केट के कौन से फीचर्स है? तो फर्स्ट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट इज़ सिंगल सेलर. ओके, मोनोपोली मार्केट में एक अकेला
बेचने वाला होता है. इन मोनोपोली देर इज नो कॉम्पिटिशन एज देर इज ओनली वन सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर इन द मार्केट. ओके, तो मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही बेचने वाला होता है, तो वहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, क्योंकि बेचने वाला या फिर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो एक ही बंदा होता है. ओके, और वो एक ही प्रोडक्ट उसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता. बट द नंबर ऑफ बायर्स आर लार्ज. ओके, तो जो खरीदने वाले होते हैं उनका वो बहुत सारे होते हैं, बट बेचने वाला वो एक ही बंदा होता है. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. ओके, और जो वो प्रोडक्ट मोनोपोली मार्केट में सेलर बेचता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता. देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट इन द मोनोपोली स्टिक. ओके, मतलब जो मोनोपोली मार्केट होता है उसमें जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता. Therefore, the buyer have no choice. इसलिए जो खरीदने वाला होता है उसके पास कोई choice नहीं रहता. जो monopoly seller बेच रहा है वो product उसको लेना पड़ता है. They have to either buy the product from the monopolist or go without it. Okay? तो जो खरीदने वाला होता है उसके पास दो ही choice होते हैं, कि जो monopoly जो उनको market में जो product मिल रहा है वो वही खरीदे, okay? जैसे भी वो दे रहा है, या फिर वो product ही ना ले. कि दैट आर द टू चॉइस ओनली जो कस्टमर के पास या फिर बायर के पास रहता है. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज आइदर ज़ीरो और नेगेटिव. ओके, तो उसका जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो रहता है ज़ीरो या फिर नेगेटिव. अभी व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसके लिए यू कैन चेक अनदर वीडियो दैट इज ऑन चैप्टर नंबर 3B ऑफ इकोनॉमिक्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिटेल. ओके, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअली मतलब क्या होता है, कि एक प्रोडक्ट के प्राइस के वजह से दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड पे असर होता है. ओके, दैट इज़ एक्चुअली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, तो यहाँ पे अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ज़ीरो या फिर नेगेटिव. ओके, बिकॉज इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता. बैरियर टू एंट्री. ओके, तो अगर आपको मोनोपोली मार्केट में जाना है तो यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं. एंट्री ऑफ द राइवल इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू लीगल नेचुरल टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स विच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर्स टू एंटर द मार्केट. ओके, तो ये जो मोनोपोली मार्केट होता है यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, चाहे वो लीगल हो के कोई लीगल रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, नेचुरल वजह से होते हैं, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, कोई भी बैरियर्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी सेलर उस मार्केट में एंटर करे. ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, जो दूसरे सेलर्स होते हैं, उनको मार्केट में एंटर करना अलाउड नहीं होता. ओके, ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस. उसके बाद फोर्थ फीचर है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई. ओके, मतलब ये जो मोनोपोली मार्केट होता है उसका जो पूरा मार्केट सप्लाई का कंट्रोल होता है वो मोनोपोलिस्ट के हाथ में होता है. द मोनोपोलिस्ट हैज़ अ कंप्लीट हैंड ओवर द मार्केट. ओके, मतलब मोनोपोलिस्ट के हाथ में पूरा मार्केट कंट्रोल होता है. ही इज़ द सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, क्योंकि उस मार्केट में वही अकेला बंदा वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, वही अकेला वो सेल करता है. ओके, उसके लिए पूरे मार्केट का कंट्रोल उसके पास होता है. फिफ्थ इज प्राइस मेकर. और मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ हिज ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल्स द होल मार्केट सप्लाई. ओके, तो मोनोपोलिस्ट की जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो खुद डिसाइड करता है कि किस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी पूरे मार्केट में. मोनोपोलिस्ट इज़ अ प्राइज मेकर. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मोनोपोलिस्ट होता है वो प्राइज मेकर होता है, वो प्राइस डिसाइड करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मोनोपोलिस्ट बिगिन अ प्राइस मेकर ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्लेस. ओके, तो मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस मेकर है, वो खुद प्राइस डिटरमाइन करता है किसी भी प्रोडक्ट का. अभी उसके ऊपर होता है कि वो उसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो किसको कितनी चार्ज करेगा. ओके, मतलब अगर उसको लगता है कि ये पर्सन बहुत अमीर है, रिच है, तो वो उसके लिए अगर वो 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो वो 100 रुपीज़ में देगा. ओके, अगर उसको लगता है कि नहीं ये मिडिल क्लास है तो ये 50 रुपीज़ का है तो वो उसको 80 में बेच देगा.
तो इट इज़ ऑन द मोनोपोलिस्ट कि उसको कितना वो कमोडिटी का या फिर वो प्रोडक्ट का प्राइस रखना है। ओके, तो वो अलग अलग आदमी, अलग अलग पीपल, अलग अलग पर्सन, अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग भाव में एक ही प्रोडक्ट बेच सकता है। ओके, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्लेस वो अलग अलग प्राइस लगा सकता है सेम प्रोडक्ट के लिए। दिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। ओके, तो मोनोपोली मार्केट का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ओके, विद द कस्टमर्स और फिर विद द बायर्स। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड रेलवे टिकट एट कंसेशनल रेट। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जो हमारे रेलवे टिकट्स होते हैं तो रेलवे टिकट्स में कंसेशन दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोग को एक कंसेशनल रेट में जो रेलवे टिकट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, सेवेंथ फीचर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। ओके, तो मोनोपोलिस्ट इज़ अ सोल सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो मोनोपोली मार्केट में जो मोनोपोलिस्ट होता है वही एक सिंगल सेलर होता है, मतलब बेचने वाला और प्रोड्यूसर होता है और प्रोडक्ट बनाने वाला। ओके, और मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज़ एन इंडस्ट्री। इसके लिए जो मोनोपोली फर्म होता है वो खुद में ही एक इंडस्ट्री होती है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मोनोपोली। ओके, तो फीचर्स क्लियर हुआ। देयर आर टोटल सेवन फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। ओके, नाउ वी आर स्विचिंग टू टाइप ऑफ मोनोपोली। ओके, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली मार्केट की, मोनोपोली मार्केट जो है वो कौन से टाइप्स में होते हैं, कौन सी अलग अलग टाइप ऑफ मोनोपोलीज होती हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली। ओके, तो मोनोपोली मार्केट के इतने सारे टाइप्स होते हैं, नेचुरल मोनोपोली, सोशल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, फिजिकल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, चूजन मोनोपोली। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली। ओके, नाउ नेचुरल मोनोपोली, सोशल मोनोपोली, लीगल मोनोपोली, फिजिकल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, दिस ऑल इज देयर इन टू योर सिलेबस और ये अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट चूजन मोनोपोली ये नहीं है। इसके अलावा यू हैव वॉलेंट्री मोनोपोली। ओके, वॉलेंट्री मोनोपोली आपके सिलेबस में, तो ये सब अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। तो फर्स्ट है प्राइवेट मोनोपोली। ओके, व्हेन एन इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी कंट्रोल्स अ मोनोपोली फर्म इट इज़ नोन एज प्राइवेट मोनोपोली। ओके, मतलब अगर एक इंडिविजुअल या फिर कोई प्राइवेट बॉडी है जो मोनोपोली मार्केट को कंट्रोल करता है देन इट इज़ प्राइवेट मोनोपोली। ओके, फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप। ओके, अभी टाटा ग्रुप है जो पूरी उनकी मोनोपोली है, मतलब वो पूरा सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ओके, लाइक अ मोनोपोलिस्ट। And the next type is public monopoly. Now what is a public monopoly? When the production is solely owned, controlled and operated by the government, it is known as public monopoly. Okay? अभी public monopoly मतलब जहाँ पे production या फिर जो पूरी company है वो owned, controlled, operated और manage की जाती है only by the government. Okay? सिर्फ government उसको पूरा सब कुछ उसकी देखभाल करती है, सब देखती है only government. ओके, तो वो होती है पब्लिक मोनोपोली जो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ओके, इट इज़ यूजुअली वेलफेयर ओरिएंटेड। तो जो पब्लिक मोनोपोली होती है वो वेलफेयर ओरिएंटेड होती है, मतलब वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं देखती है, वो बस वेलफेयर की सोच में वो मोनोपोली ज़्यादा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज। ओके, तो अभी इंडियन रेलवेज जो होती है आप देख सकते हो कि दैट आर मोस्टली पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड। ओके, वो लोग के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसका जो प्राइस रेट है वो भी कम है, नॉमिनल है, फिर उसमें कंसेशंस भी दिया जाता है फॉर द स्टूडेंट्स या फिर सीनियर सिटीजन्स हो। ओके, तो ये जो होते हैं वो वेलफेयर ओरिएंटेड होते हैं। ओके, पब्लिक मोनोपोली। नेक्स्ट इज लीगल मोनोपोली। तो लीगल मोनोपोली क्या होती है? दिस मोनोपोली अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ लीगल प्रोविजंस लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। ये जो लीगल मोनोपोली होती है, ये लीगल मोनोपोली वो बेस्ड होती है ऑन लीगल प्रोविजंस। ओके, जैसे कि पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, कॉपीराइट्स हुआ। द लॉ फॉरबिड्स द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स टू इमिटेट द डिज़ाइन और फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट रजिस्टर्ड अंडर द गिवन ब्रांड नेम। ओके, तो यहाँ पे जो लॉ बनाए जाते हैं या फिर जो भी पोटेंशियल कॉम्पिटिटर होता है वो उसकी जो डिज़ाइन होती है, उसका जो फॉर्म होता है या फिर जो हम लोग बोलते हैं ना पेटेंट या फिर जो ब्रांड नेम होता है उसका जो रेप्यूटेशन है, ओके,
उसकी मोनोपोली होती है. ओके, बिकॉज अगर मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखो कि जो भी ब्रांड नेम्स होते हैं या फिर जिस भी कंपनी का अच्छा रेपुटेशन होता है, ओके, उसका ज़्यादा कंट्रोल रहता है. ओके, सो दैट इज़ अ लीगल मोनोपोली. फॉर एग्जाम्पल अमूल प्रोडक्ट्स. ओके, अगर आप लोग अमूल प्रोडक्ट्स को मतलब प्रेफर करोगे ना, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, आप लोकल मार्केट में भी अगर जाओगे और अगर आपको वहाँ पे अमूल की कोई भी प्रोडक्ट दिखी, तो यू हैव द ट्रस्ट कि हाँ दिस इज़ अ ब्रांड और ये अच्छा होता है, तो आप वही प्रोडक्ट लोगे. ओके, सो दैट इज़ लीगल मोनोपोली. नेक्स्ट इज़ नेचुरल मोनोपोली. द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशंस लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेट्रा इज़ नोन एज नेचुरल मोनोपोली. ओके, तो नेचुरल मोनोपोली मतलब एक ऐसे मोनोपोली जो नेचुरल कंडीशन के बेसिस पे क्रिएट होती है, जैसे कि क्लाइमेट हुआ, रेनफॉल हुआ, या फिर स्पेसिफिक लोकेशन एरिया हुआ, रीजन हुआ. ओके, तो इसके वजह से क्या होती है, नेचुरल मोनोपोली क्रिएट होती है. फॉर एग्जांपल वीट फ्रॉम पंजाब. ओके, तो पंजाब में अगर देखोगे तो वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हुआ, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें की मोनोपोली होती है. ओके, बिकॉज वो स्पेसिफिक प्लेस जो होती है वो उस रिसोर्स से फुलफिल्ड होती है इसके वजह से. नेक्स्ट इज सिंपल मोनोपोली. इन सिंपल मोनोपोली सेलर और अ फर्म चार्जेस अ यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल द बायर्स. क्या अभी सिंपल मोनोपोली मतलब जो सेलर होता है वो फर्म मतलब सेलर या फिर फर्म वो चार्ज करता है सिंगल प्राइस सब बायर्स को. ओके, ऐसा नहीं किसी को 50 रुपीज़ में दिया, किसी को 80 में दिया, किसी को 100 में दिया, ऐसे नहीं. एक प्राइस अगर डिसाइड किया है कि 50 रुपीज़, तो हर एक सेलर को वो हर एक बायर को वो सेलर 50 रुपीज़ में ही अपने प्रोडक्ट्स बेचेगा. ओके, दैट इज़ सिंपल मोनोपोली. नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. ओके, इट इज़ अपोजिट ऑफ सिंपल मोनोपोली. इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली फर्म चार्ज डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट. ओके, तो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में ये होता है कि ये जो फर्म्स होते हैं वो एक प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइस लगाता है अलग अलग कस्टमर्स के लिए या फिर अलग अलग बायर्स के लिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू डिफरेंट पेशेंट्स. ओके, मतलब अगर डॉक्टर का एग्जाम्पल ले तो अगर कोई अमीर पेशेंट आया तो डॉक्टर ज़्यादा चार्ज करेगा. ओके, बट अगर कोई मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, ओके, या फिर मतलब जो रिच पीपल से थोड़े कम लेवल के, तो वो लाइक नॉमिनल अपने जो चार्जेस है वो ले लेगा. ओके, सो दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. कि ऐसे भी मोनोपोली मार्केट होते हैं जहाँ पे अलग अलग बायर्स को अलग अलग रेट्स में दिया जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज वॉलेंट्री मोनोपोली. ओके, वॉलेंट्री मोनोपोली टू अवॉइड कटथ्रोट कॉम्पिटिशन सम मोनोपोलिस्ट वॉलेंट्रीली कम टूगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ मोनोपोलिस्ट. ओके, तो अभी वॉलेंट्री, ओके, वॉलेंट्री मतलब खुद की इच्छा से. ओके, सो दैट इज़ वन काइंड ऑफ मोनोपोली. तो ये मोनोपोली क्या होती है, यहाँ पे अगर मोनोपोली मार्केट में देखा जाए तो वहाँ पे कटथ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है. ओके, तो इसकी वजह से जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो अपनी खुद की इच्छा से एक साथ आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं मोनोपोलिस्ट्स का. ओके, दिस फैसिलिटेट्स देम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक. ओके, तो ये जो कंट्रीज होती है, ये जो मोनोपोलिस्ट होते हैं ये साथ में आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और एक साथ मतलब लाइक मोनोपोली मार्केट चलाते हैं. क्यों? क्योंकि इनको एक फैसिलिटी मिलती है, इनको एक एडवांटेज मिलता है कि ये अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ा सकें. ओके, लाइक उनका जो प्राइस मेकिंग होता है वो सेम होता है. ओके, इवन अगर वो मोनोपोलिस्ट अलग है फिर भी. ओके, दे आर इन टू अ ग्रुप. ओके, दे आर यूनाइटेड. सो फॉर एग्जाम्पल ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ओके, तो जो भी कंट्रीज पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है इनका एक ग्रुप है. ओके, दैट इज़ ओपेक. ओके, तो ये जब सब कंट्रीज एक साथ आती है और जो भी पेट्रोलियम किसको सेल करना है किसको नहीं, उसके जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, वो सब ये ओपेक मिलकर डिस्कस करते हैं. ओके, सो इन द सेम वे मोनोपोली में भी जो मोनोपोलिस्ट होते हैं वो वॉलेंट्री मोनोपोली में ऐसा करते हैं. ओके, सो दिस वॉज द मोनोपोली इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एक टाइप
फिर हम लोग ने उसके फीचर्स देखे, उसके टाइप्स ऑफ मोनोपोली मार्केट देखे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू अंडरस्टूड इट. सो प्लीज़ कमेंट मी हाउ यू फील दिस वीडियो वॉज, एंड लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब. Share this video as much as you can to your friends, schoolmates, classmates. Okay, so meet you in the next video. Till then, stay tuned.